बिजनौर में एक मुस्लिम परिवार ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है, जहां एक मुस्लिम परिवार करीब 40 सालों से रावण के पुतलों का निर्माण कर रहा है। दशहरा पर्व के लिए रावण के पुतले को बनाने के लिए ये परिवार एक महीने से जुटा हुआ है। अपने पूर्वजों की कला को मुस्लिम परिवार आज भी उसी कलाकारी से जनता के सामने पेश करते हैं। अपनी इस कलाकारी से ये लोग जनपद वासियों को आकर्षित कर रहे हैं। आप रावण कितने सालों से बना रहे हैं? जी लगभग इसे 35-40 साल हुआ है, और हमारे जो बड़े थे दादा परदादा उनके ही ज़माने से बनते हुए आ रहा है, और हम जो यहाँ के बिजनौर के और भी जगह के बनाते हैं, बाकी और आदमी भी गायब है बाहर, और लगभग हमें 35-40 साल हुआ है इसको करते हुए, इस काम को। कितना खर्चा आता होगा इसमें? लगभग खर्चा आप ये लगा लीजिए 80-90 हज़ार रुपये खर्चा आता है। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है इसमें? एक महीने का। और ये काम जो है अपना बड़े भाई से करता आ रहा है, और हम रहने वाले जिला बिजनौर मोहल्ला बुखारा के रहने वाले हैं। तो कब से कर रहे हो आप इस काम को? हम 30-40 साल से हम इस काम को कर रहे हैं, और अपना बाल बच्चों का अपना पेट भरता है। अच्छा, जैसे ये हिंदुओं का त्यौहार है, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप ये रावण बनाते हो? मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से हम ये बनाते हैं। सभी सामान आपने बनाया है? जी हाँ, ये रावण का धड़ है, और वो सामने सर रखा है, पीछे पैर रखे हुए हैं। तो कितना एक फुट कितने एक लंबा होगा ये रावण जो है, कितने ऊँचा होगा? रावण 50 फुट की ऊँचाई है इसके रावण की। तो हर बार इतना ऊँचा बनता है या? जी हर बार। फिलहाल ये मुस्लिम परिवार बिजनौर में सौहार्द की मिसाल बना हुआ है। इनके द्वारा बनाए गए रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले बिजनौर ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों में भी भेजे जाते हैं। पिता का निधन हो जाने के बाद हसीनुद्दीन और साजिद इस कारोबार को जिंदा रखे हुए हैं। बिजनौर रामलीला ग्राउंड में रामलीला मंचन को देखने के लिए नगर और देहात इलाकों से हजारों लोग उपस्थित होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट।